नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट कंपनी के बारे में, जिस जो देखा जाए इंडिया के नंबर वन माइनिंग इंडस्ट्रीज से बिलोंग करते हैं। देखिए, नंबर वन देखा जाए तो माइनिंग इंडस्ट्रीज में जिसका नाम आप जानते हैं वो है वेदांता, और सेकेंड इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट माइनिंग कंपनी है कोल इंडिया। मगर फिर भी मैं कोल इंडिया को नंबर वन जरूर कहूंगा, क्योंकि कोल का माइनिंग में इंडिया का नंबर वन पोजीशन में है कोल इंडिया, और ये एक गवर्नमेंट बैंक मतलब कंपनी है। तो और देखा जाए तो कंपनी एक पीएसयू कंपनी है, तो पीएसयू सेक्टर के कंपनी है, तो पब्लिक सेक्टर के कंपनी है। तो इस कंपनी के बारे में आज बात करूंगा, क्योंकि कंपनी ने बहुत बड़ा एक अपडेट दे चुके हैं, बहुत बड़ा एक न्यूज अपडेट यहाँ पे लेके आया है। तो उसके कारण मुझे लगता है स्टॉक में एक बहुत बड़ा नया मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। तो वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको पता चलेगा कौन सा किसके बारे में यहाँ पे बात कर रहा हूँ और कौन सा टॉपिक के ऊपर बात कर रहा हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट के बहुत सारे इन्फॉर्मेशन और आईपीएस के बारे में, साथ ही साथ स्टॉक मार्केट के न्यूज के बारे में इस चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन कंटिन्यूअसली मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी के चार्ट पैटर्न के ऊपर जाना चाहूंगा, क्योंकि चार्ट पैटर्न के बारे में कुछ चीज आपको पहले मैं दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट किया, सर इस कंपनी के बारे में तो आप जरूर बताते हैं, मगर इस कंपनी का फ्यूचर क्या है? क्या फ्यूचर में इस कंपनी इसी तरीके से परफॉर्मेंस करता रहेंगे कि और भी नया एक मोमेंटम रैली आपको देखने को मिलेगा? तो चलो चार्ट पैटर्न में ही आपको सारे चीज क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे मैं चार्ट पैटर्न कोल इंडिया के ऊपर आ चुका हूँ। कंपनी का अराउंड अभी प्राइस अराउंड 180 से 190 के आसपास है, तो मार्केट रनिंग है, कुछ भी डेटा चेंज हो सकते हैं। तो 180 से 180 90 तक सॉरी 180 से 190 तक यहाँ पे परफॉर्मेंस अभी देखने को मिल रहा है। तो देखिए, जो कंपनी 2020 के रिपोर्ट के हिसाब से कंपनी का प्राइस रेंज अराउंड अराउंड 120 रुपये के सॉरी 120 रुपये के आसपास था, तो यहाँ पे 120 से अभी कंपनी सिर्फ के सिर्फ 200 तक तो गया था। तो 120 से 200 मतलब अराउंड अराउंड 100 पॉइंट्स का भी कंपनी जाम नहीं दिखाया। फिर भी देखिए, ओवरऑल बात करो तो 80% तक रिटर्न कंपनी आपको दे चुके हैं। तो बहुत सारे दोस्त इसीलिए खुश हो गया कि कंपनी, चलो एक कंपनी 2 साल के अंदर अंदर कंपनी मुझे 80% तक रिटर्न दे दिया। तो आपके बात सही भी है कि इस तरीके से कंपनी 80% रिटर्न देना भी बहुत बड़ी बात होते हैं। तो फिर भी चार्ट पैटर्न को आपको लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए दिखा दूँ, तो कंपनी का जो मैं एक बार 1 वीक का चार्ट पैटर्न आपके सामने ओपन कर देता हूँ। तो चलो यहाँ पे पूरा डिटेल्स क्लियर हो जाएगा। कंपनी देखिए, अराउंड अराउंड कंपनी का जो बिजनेस स्टार्टिंग पीरियड आप देखेंगे तो कंपनी 2010 से यहाँ पे रिपोर्ट डेटा आपके सामने है। तो 2010 से यहाँ पे रिपोर्ट है, 2010 के जब मार्केट में लिस्टिंग हुआ कंपनी अराउंड 300 के आसपास लिस्टिंग हुआ। उसके बाद कंपनी में एक तेजी देखने को मिला, फिर से गिरावट, फिर से तेजी, और टॉप लेवल में जो था अराउंड टॉप लेवल जो था अराउंड 450 के आसपास इसका टॉप लेवल परफॉर्मेंस था। उसके बाद कंपनी ने कंटिन्यूसली गिरते गए गिरते गए, और 100 में 120 में आकर खड़ा हो गया। तो 450 का शेयर 120 में आना, इसका मतलब समझ लीजिए कंपनी के ऊपर प्रेशर तो कुछ ना कुछ हुआ है, जिसलिए इस तरीके से गिरावट हुआ है। तो ऑल इंडिया में सबसे ज्यादा प्रेशर है कंपनी का माइनिंग, तो माइनिंग हमेशा कंटिन्यूअसली होते नहीं। दूसरी बात, बहुत सारे माइनिंग एरिया है जो रेस्ट्रिक्शन है, जिसके कारण बहुत सारे माइनिंग एरिया अभी बंद है, अभी भी बंद पड़े हुए हैं, जिसके कारण माइनिंग में बहुत प्रॉब्लम इशू आ चुके हैं। तो अभी भी कंटिन्यूअसली वो इशू चल रहा है, बहुत सारे माइनिंग्स ओपन किया गया है, मतलब माइनिंग ओपन किया गया है माइनिंग प्लेस, फिर भी बहुत सारे जगह पे अभी माइनिंग प्लेस बंद है, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया। तो देखिए, यही एक पॉइंट्स में आपको समझाने के लिए इतने सारे बात बोला हूँ कि गवर्नमेंट के हाथ में अगर कोई भी कंपनी रहे तो मान के चलिए उसका हालत हमेशा खराब रहेंगे। क्यों? गवर्नमेंट कुछ भी डिसीजन ले लेंगे तो स्टॉक में गिरावट हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट का डिसीजन हमेशा इसी तरीके से होते हैं कि स्टॉक में एक प्रेशर हमेशा क्रिएट हो जाता है, और जितने सारे इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं वो जल्द से जल्द माल बेचकर भाग जाते हैं, तो इसलिए स्टॉक में एक बहुत बड़ा क्रैश देखने को मिलता है। तो गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले मैं हमेशा आपको 4 बार सोचने के लिए बोलता हूँ, 4 बार सोचने के लिए इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि देखिए, कंपनी शायद आपको डिविडेंड बहुत शानदार दे दे, बोनस भी दे दे, बायबैक भी दे दे, और साथ ही साथ स्प्लिट भी कर दे, तो इतने सारे एक्स्ट्रा
बेनिफिट्स आपको कंपनी बार बार इसीलिए देते रहते हैं क्योंकि इस कंपनी के ऊपर वॉल्यूम कंटिन्यू रहे, इस कंपनी के ऊपर लोग निवेश कंटिन्यू करे, तो इसीलिए कंपनी डिविडेंड जबरदस्त देते रहते हैं, बोनस भी जबरदस्त देते रहते हैं। तो एक रिपोर्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। चलो मैं एक रिपोर्ट आपको सबसे पहले एक बार चलो आपको दिखा देता हूँ। स्कैनर साइट के ऊपर जाएंगे आप तो आपको यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शन में पूरा डिटेल्स दिखेगा। देखिए कंपनी डिविडेंड साल भर में कितना, 3-4-5 बार करके कंपनी आपको डिविडेंड दे रहा है। बायबैक भी कंपनी देखिए 2-2 बार करके कंपनी मतलब बायबैक भी दे चुके हैं। तो एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से यही चीज मिलेगा, मगर बाकी क्या है, बाकी आप देखेंगे तो रिटर्न कहाँ गया, रिटर्न टोटली यहाँ पे रिटर्न जो है वो टोटली यहाँ पे नेगेटिव में है। तो यही चीज मैं आपको बार बार बोलता रहता हूँ, कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे हैं मतलब एक बार उसके बारे में ये चीज ध्यान से देख लेना कि वो निवेश कितना मतलब पॉजिटिवली है। तो यहाँ पे निवेश करना कोई गलत बात नहीं है। कि आप कहेंगे सर कि कंपनी के ऊपर कुछ नेगेटिविटी है, बिल्कुल नहीं, कंपनी देखिए हर साल में खुद का प्रॉफिट कर रहा है हर साल में, इसका मतलब समझ लीजिए कंपनी में पॉजिटिविटी तो है, इसलिए कंपनी हर साल में प्रॉफिट कर रहा है। फिर भी कंपनी आपको रिटर्न नहीं दे रहा है, इसके पीछे सिर्फ एक बड़ा कारण है, वो है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इतने सारे पॉलिसीज लेके आते हैं जो स्टॉक के ऊपर हमेशा प्रेशर रहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का काम होते हैं सर्विसेज देना, कोई प्रॉफिट कमाना नहीं है। गवर्नमेंट हमेशा कोशिश करते हैं मतलब लोगों को सर्विस देना, और सर्विस जितना अच्छा मिलेगा उसके बेसिस से गवर्नमेंट टिके रहेंगे। तो इसीलिए गवर्नमेंट इसी तरीके से काम करते हैं, और इसके लिए कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन हमेशा मतलब प्रेशर में रहते हैं। देखिए प्रॉफिट तो होते हैं मगर कंपनी इतना ज्यादा कर्जा ले लेते हैं जिसके लिए कंपनी के ऊपर प्रेशर होता है। देखिए कंपनी के ऊपर कर्जा जो है अराउंड 3000 करोड़ का, फिर भी देखिए आप कहेंगे सर 3000 करोड़ कोई कर्जा है, बिल्कुल नहीं, आपके बात भी सही है, मगर कंपनी कर्जा ना लेने के बाद कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड सारे के सारे इतना पॉजिटिव होने के बाद कंपनी को प्रेशर कहाँ पे है, आप खुद ही सोचिए। इतना पॉजिटिव अगर दूसरे कोई कंपनी होता तो आज 100 का शेयर आपको आज 10,000 के आसपास देखने को मिलता, इतना इतना शानदार परफॉर्मेंस है कंपनी। कोई छोटा मोटा तो कंपनी नहीं है, 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा इसका मार्केट कैप है। तो डेटा तो आपके सामने पहले दिखा चुका हूँ, अभी कंपनी का जो पॉजिटिव न्यूज आया तो चलो उसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे तो द इकोनॉमी टाइम्स के ऊपर इस न्यूज को पब्लिश किया गया, और देखिए कंपनी ने क्या रिपोर्ट किया आप देख सकते हैं। कोल इंडिया यहाँ पे देखिए रजिस्टर रिकॉर्ड 29% ग्रोथ आउटपुट इन अप्रैल टू जून, मतलब अप्रैल मई जून इस 3 महीने के अंदर अंदर क्वार्टर वन का रिजल्ट आते हैं। तो रिजल्ट आने से पहले कंपनी का जो प्रोडक्शन, कंपनी जो प्रोडक्शन किया मतलब कितना प्रोडक्शन किया तो उसका एक रिपोर्ट आ चुके हैं। तो यहाँ से आपको लग रहा है कि कंपनी का जो Q1 का जो रिजल्ट आने वाला है वो बहुत शानदार होने वाला है, क्योंकि देखिए 29% का ग्रोथ हुआ आउटपुट, 29% का ग्रोथ हुआ, और वो भी देखिए Q1 फाइनेंशियल ईयर 2020 के रिजल्ट आने से पहले ही कंपनी 124 मिलियन टन यहाँ पे टोटल कोल माइनिंग कर चुके हैं, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में कितना था 159.8 मिलियन टन। तो सॉरी इस बार कंपनी 159.8 मिलियन टन का टोटल माइनिंग किया, जो पिछले बार कितना था 124 मिलियन टन। तो इसका मतलब समझ लीजिए कंपनी ने शानदार काम किया। तो इसके बेसिस से आप जरूर देखेंगे कि इस बार कंपनी का Q1 का रिजल्ट आपको शानदार दिखेगा। तो देखिए इतना शानदार रिजल्ट होने के बाद भी स्टॉक में इतना ज्यादा प्रेशर है, आप खुद ही देख लीजिए कंपनी का। आप सेल्स ग्रोथ देखेंगे मतलब रेवेन्यूज देखेंगे तो आपको लग रहा होगा कि कंपनी जबरदस्त है, नेट प्रॉफिट देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको जबरदस्त दिखेगा। फिर भी स्टॉक क्यों इतना पीटे हुए है, सिर्फ एक ही वजह है, वो है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जितने दिन इस कंपनी के ऊपर रहेंगे तो उतना दिन ही उस कंपनी के ऊपर प्रेशर रहेगा, और उतना दिन ही लोग इस कंपनी से पैसा नहीं कमा पाएंगे। तो आप खुद ही देख लीजिए अगर कंपनी अच्छा है तो इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर FIIs जबरदस्त माल उठा के रखते, यही सारे सारे के सारे माल उठा लेते। फिर भी देखिए आप कहेंगे सर DIIs के पास तो 21% होल्डिंग है, और DIIs कौन सा है, कौन है DIIs वो देख लीजिए, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन कितना है 11% होल्डिंग। गवर्नमेंट खुद के कंपनी के ऊपर निवेश करा रहा है इसीलिए कि उस कंपनी टिके रहे, उस कंपनी को फंडिंग मिलता रहे। आप एक चीज नहीं जानते, आज जितने सारे प्राइवेट बैंक है और जितने सारे PSU बैंक है, तो इस PSU बैंक में आप देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोन लेने के कारण PSU बैंक सारे के सारे डूब चुके हैं। तो इसीलिए बैंक अभी 3-3 बैंक करके मार्च हो रहा है, आप इस बात को जान चुके होंगे। तो प्राइवेट बैंक कोई भी बैंक आपको देखने को मिलेगा क्या मार्च हुआ है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्राइवेट बैंक जानता है किस तरीके से बिजनेस करना है, और गवर्नमेंट
उल्टा बिजनेस करते हैं। गवर्नमेंट तो बिजनेस अच्छा करते हैं मगर उसको प्रॉफिट मार्जिन कैसे बचाना है, कितना मार्जिन बढ़ाना है, उसके बारे में ज़्यादा फोकस नहीं रखते। तो इसीलिए इस तरीके से गवर्नमेंट कंपनी पीटते हैं। तो मेरे हिसाब से कंपनी में कुछ बुराई नहीं है, कंपनी ज़बरदस्त है। अगर आपको इस कंपनी के ऊपर भरोसा है, फ्यूचर में इस कंपनी ग्रोथ करेगा, तभी आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करिए, नहीं तो इस कंपनी को अवॉइड कर सकते हैं। बहुत सारा कंपनीज मिल जाएगा जहाँ पे आपको अच्छे तरीके से रिटर्न मिल सकता है। बाकी देखिए, ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप एक बार रिसर्च करना, खुद आपको पता चलेगा कि मैं क्यों इतने सारे बात आपके सामने रख चुका हूँ। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी इस वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।